नमस्कार, सौम्यास किचन कॉर्नर में स्वागत है आपका। आज की हमारी रेसिपी है यूपी की पारंपरिक रेसिपी, जिसे हम गुलगुले के नाम से जानते हैं। इसे हम छोटे मोटे त्योहारों पर बनाते हैं। इसे हमने शकरकंद और गेहूं के आटे से बनाया है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गुलगुले बनाने के लिए हम ये आधा कप चीनी लेंगे, जिसे हम डाल देते हैं बाउल में। और अब हम इसमें एक कप पानी ऐड करेंगे। हम इसकी चाशनी नहीं बनाएंगे, हमें चीनी को पिघलाना है, तो बस हम पानी को हल्का सा गुनगुना करेंगे। चीनी पिघल गई है। बाउल में हम ये दो स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद लेंगे और इसे हम मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। शकरकंद को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए जब हम इसे बनाएं, तो इसे अच्छी तरह से मैश करना जरूरी है। अब हम इसमें 2 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे। अब हम इसमें नारियल का पूरा डालेंगे। आप इसमें नारियल को काट के भी डाल सकते हैं छोटा छोटा सा। अब हम इन सभी चीजों को मिलाते हुए इसका एक बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा शुगर सिरप जो हमने बनाया था चीनी को घोल के, उसे ऐड करेंगे और मिलाते जाएंगे। हम इसमें फ्लेवर के लिए 2 इलायची जिसे हमने दरदरा कूट लिया है, इसे डालेंगे। इसके डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमने इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बैटर हमारा अच्छी तरह से फूल जाए, और इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं और बैटर हमारा फूल गया अच्छी तरह से। अब हम गुलगुले बनाएंगे, तो गैस पे हम ऑयल रख देते हैं गरमाने के लिए। ऑयल हमारा अच्छा गरम हो गया है। अब हम गुलगुले डालेंगे बनाकर। अब हम इन्हें पलट देंगे। इन्हें आप चम्मच की हेल्प से भी बना सकते हैं और ये हमारे यूपी की पारंपरिक रेसिपी है, इसे हम त्योहारों में बनाते हैं। इन्हें हम अलग पलट कर अच्छा कलर आने तक तलेंगे। आप इस रेसिपी को जैगरी से भी बना सकते हैं, गुड़ से, उससे भी ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब ये अच्छी तरह से डीप फ्राई हो गए हैं, बढ़िया सा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म गुलगुले बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।